सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे से हंसते मुस्कुराते रहो। दोस्तों, जियो की तरफ से लॉन्च कर दिया गया जियो के पोस्टपेड प्लान को। ऐसे में गाइस आप लोग यहाँ पर जो है वन क्लिक में यहाँ पर जो है इसको गलती से एक्टिवेट कर ले रहे हो। तो गाइस आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोगों यहाँ पर हमारे को यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा यहाँ पर जो है जियो का पोस्टपेड प्लान यहाँ पर जो है गलती से एक्टिवेट हो गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे कि भाई हमारा यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो है प्लान सेलेक्ट नहीं किया है बट सिर्फ एक्टिवेट हो गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको यही प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर जो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और अगर आपको ये जो है एक्टिवेट हो जाए तो आप क्या कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जियो का। अगर आपका पोस्टपेड प्लान यहाँ पर जो है अगर आपका जो है एक्टिवेट हो जाता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा गलती से एक्टिवेट हो गया है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है गलती से एक्टिवेट करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। जब तक आप लोग यहाँ पर जो इसको जो है क्लिक करके यहाँ पर अपना जो है मेल आईडी वगैरह डाल के यहाँ पर जो है आगे नहीं प्रोसीड करोगे, तब तक यहाँ पर आपका ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमारा गलती से एक्टिवेट हो गया है। तो भाई आप लोग यहाँ पर देख लो किस तरीके का यहाँ पर आपको जो है प्रोसेस देखने को मिलता है, उस प्रोसेस के हिसाब से ही आपको यहाँ पर जो आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाके ये आपका जो है एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर गलती से एक्टिवेट होने वाला कोई बात नहीं है, आप लोगों ने उसको एक्टिवेट किया तभी यहाँ पर ये जो है एक्टिवेट हुआ है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपका यहाँ पर जो एक्टिवेट हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे। तो अगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि अगर आपका यहाँ पर जो जियो का प्रीपेड से पोस्टपेड में अगर आप लोग कन्वर्ट कर लेते हो किसी भी कारण से, अगर आप लोग उसको कहते हो गलती से भी अगर आप लोग उसको जो है कन्वर्ट कर लेते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो यहाँ पर आपको ये होगा कि गाइस अगर आपका जो भी यहाँ पर जो मौजूदा प्लान होगा, चाहे जितना रुपये का भी हो, अगर आपका 3 मंथ का अगर आप लोगों ने रिचार्ज करवाया हुआ है या फिर साल भर का रिचार्ज कराया हुआ है या फिर मान के चलो 6 महीने का रिचार्ज करवाया हुआ है, तो वो सारा का सारा जैसे ही गाइस आप लोग इसको जो है एक्टिवेट करोगे तो वो सारा का सारा यहाँ पर आपका जो है संग यहाँ पर जो है आपका जो है पूरा यहाँ पर जो है डिलीट हो जाएगा। यानी कि वापस फिर आपको जो है कभी भी यहाँ पर ये जो है आपका जो प्लान है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सिम प्रीपेड था, आपने उसको जो है पोस्टपेड में कन्वर्ट कर लिया, तो जो भी मौजूदा प्लान था वो यहाँ पर आपका जो है पूरा का पूरा उड़ जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो आप लोग चाहकर भी उसको वापस से यहाँ पर जो है ला नहीं सकते हो। तो अभी गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर जो ध्यान दीजिए, गलती से भी आपको जो इसको जो है एक्टिवेट नहीं करना है। अगर एक्टिवेट हो जाए तो क्या करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका गाइस एक्टिवेट हो जाता है तो आप लोग नियर बाई जियो सेंटर में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर वो लोग चाहें तो आपका कर सकते हैं, बट बहुत सारे जियो सेंटर वाले करते नहीं हैं। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, अपने नियर बाई जियो सेंटर में जाके बोल सकते हो कि भाई हमारा जो पोस्टपेड का प्लान है यहाँ पर गलती से क्लिक होकर एक्टिवेट हो गया, हमारा यहाँ पर जो 1 साल का रिचार्ज था या फिर 6 महीने का रिचार्ज था, तो मुझे जो है यहाँ पर वो जो मेरा प्रीपेड वाला प्लान था वो मुझे वापस चाहिए। तो ऐसे में आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर जियो का रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको अच्छा मिल जाए तो वो लोग यहाँ पर आपको जो है करके दे सकते हैं। और अगर गाइस जियो का रिप्रेजेंटेटिव भी जियो सेंटर में अगर आपका कोई बात यहाँ पर जो है नहीं सुनता है और अगर कहता है कि नहीं हो पाएगा, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है 3 महीने का वेट करना होगा, यानी कि 90 डेज़ का वेट करना होगा, और 90 डेज़ यहाँ पर आपको जो ये प्लान को एक्टिवेट करके रखना होगा, यानी कि आपका जो प्लान एक्टिवेट है उसको आपको जो है 90 दिनों तक यूज़ करना होगा, यानी कि 3 मंथ तक यूज़ करना होगा। और यहाँ पर आपको जो है बिलिंग यहाँ पर जो आपका आएगा हर मंथ के, यहाँ पर जो आपका एवरी मंथ यहाँ पर आपको जो है बिल आएगा, तो आपको 3 मंथ तक बिल पे करना है। जैसे ही गाइस आपका जो है 90 डे यहाँ पर जो है पूरा हो जाए, आपको सिंपली इसको जो है पोर्ट करवा लेना है प्रीपेड वाले सेक्शन में। आपको सिंपली यहाँ पर जो अपने नंबर से मैसेज कर देना है पोर्ट पे, यहाँ पर आपको जो है जैसे भी यहाँ पर मैं आपको जो है नंबर डाल दूंगा, जिस नंबर पे आपको यहाँ पर जो है डाल के पोर्ट का यहाँ पर जो है नंबर ले लेना है। उसके बाद गाइस वो जो नंबर आपको जो है मैसेज में आपको जो है मिलेगा, वो नंबर यहाँ पर आपको जो है किसी भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो है सिम के दुकान में या फिर शॉप में जा सकते हो, वहाँ पर जाके आप लोग बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पर जो अपने नंबर को प्रीपेड में यहाँ पर जो है पोर्ट करवाना है, तो आप लोग आराम से यहाँ पर जो इजीली इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है प्रीपेड में ही आपका जो सिम यहाँ पर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर गाइस आप लोग अपने जो है माई जियो ऐप में भी आपको जो है पोस्टपेड से प्रीपेड करने का कन्वर्ट का ऑप्शन आपको जो है देखने को मिलता है, तो वहाँ पर से भी आप लोग यहाँ पर जो है कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताना, मैं उस पर भी आपको एक जो है पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझसे शेयर करें, और आगे अगर अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बने। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया।